जी बसीन साहब, पहले तो आप अपडेट दें, आपकी जो भी कॉल्स हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं। हाँ तो अनिल जी गुड मॉर्निंग, पहले थोड़ा सा व्यू दे दूं मार्केट का। आपको पता है मॉर्निंग थोड़े दिन से बैरिश था और मैंने कहा कि हेज रखिए, तो ये 9000 और 9500 की रेंज है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन 10 दिन के लिए चल सकता है। तो अगर आप बन रहे हैं तो यहाँ थोड़ा एक्युमुलेट कीजिए, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ मे विल बी चॉपी। लेकिन क्रूड की रैली देख के मेरे को एक बात पक्का है कि वापस 29 मई या 30 मई को आपको वापस 10,000 का लेवल वापस आएगा निफ्टी पे, और मे बी वी क्रॉस दैट। तो एंड ऑफ द मंथ विल बी वेरी स्ट्रांग, लेकिन ये दो हफ्ते चौपी रह सकते हैं। अब आप कहें तो मैं पहले आपको अपडेट दे दूं ऑन द प्रीवियस कॉल। बताए बिल्कुल सर, बिल्कुल पहले अपडेट दे दे। हाँ तो सर उसमें देखिए, सिप्ला हमने 590 का स्टॉप लॉस दिया था, 600 का टारगेट है, वो भी खड़ा है 650 का टारगेट। HDFC लाइफ मेरा शॉर्ट था, 468-470 का टारगेट था, उसने 469 किया। अगर है तो आप अगर शॉर्ट हैं तो उसमें 485 का आप स्टॉप लॉस रखिए उसमें। ब्रिटानिया में टारगेट हिट हो चुका है, जो आपको कल 3020 में दिया था, जो 2910 का टारगेट मारा है। एशियन पेंट में हो चुका है और PVR में हो चुका है। लॉन्ग में HPBP में ये एक्साइज टैक्स है, दोनों स्टॉप लॉस हो गए हैं, तो एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज अगर आपकी छोटी डायरिएशन है तो दे हैव बीन चॉप्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। हाउएवर जो अभी खड़े हैं उसमें L&T फाइनेंस खड़ा है, जिसमें हमने आपको रखा हुआ है 63-65 का टारगेट। विप्रो खड़ा हुआ है, जो हमने आपको 200 का टारगेट दिया है। और ग्रासिम ये भी अभी खड़ा हुआ है, जिसमें हमने 550 का टारगेट है। तीनों में बहुत स्ट्रांग बाइंग है, सीमेंट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड सो इज वोडाफोन। सो आई वुड से स्टे विद दीज थ्री स्टॉक्स, दे कैन बी ह्यूज आउट परफॉर्मर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे। अगर आप कहें तो मैं और एक भारत फोर्स सर्कल, भारत फोर्स लॉन्ग दिया था, उसने आज 287 का हाई मारा है इन अ मार्केट विच वॉज वीक। उसमें मैं कंटिन्यू टू बी बुलिश 295-300 का टारगेट। अब आप कहें तो मैं दूसरी कॉल दूं। एक L&T फाइनेंस भी, एक L&T फाइनेंस भी है शायद। हाँ L&T फाइनेंस रखा है सर, 55-50 का स्टॉप लॉस है, 63-65 का टारगेट। बने रहिए सर, क्योंकि MSME और SBI की तरफ से मॉरिटोरियम देने में L&T फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड M&M फाइनेंस विल बी बिगेस्ट बेनिफिशरी। एब्सोल्युटली, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कॉल्स। आइए अब वसीन साहब की तरफ से नए कॉल्स बताएं। सर नया क्या खरीदारी का कॉल है या बिकवाली का? सर एक लेने का एक बेचने का है। तो चलिए पहले शुरुआत लेने वाले से कीजिए सर। तो लेने में सर मेरे प्रेफर्ड सेक्टर जो आप मेरे को लगता है अगले दो महीने में बहुत आउट परफॉर्म करेगा वो सीमेंट है। 167 का भाव है अंबुजा सीमेंट का, इसमें आप 160 का स्टॉप लॉस रखिए और 185-190 का टारगेट आ सकता है। आई एम वेरी श्योर अंबुजा विल आउट परफॉर्म ऑल सीमेंट प्लेयर्स, ACC एंड श्री सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट 167 का भाव है, 160 का स्टॉप लॉस, 185-190 का टारगेट। अंबुजा आप पहले भी दे चुके हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे जस्ट पहले सुमित जी ने भी अंबुजा सीमेंट पर बाय कॉल दिया था 10 की कमाई में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो भी 200-225 रुपए तक के टारगेट, 225 तक के टारगेट वो भी दे रहे हैं। तो अंबुजा सीमेंट, सीमेंट शेयरों में अगले 1.5 से 2 महीनों के लिए बेहतरीन खरीदारी हो सकती है, और उस लिहाज से पोजिशनल ट्रेड करें, 167 के आसपास लीजिए, 160 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 185 और 190 ये दो टारगेट आपके लिए वसीन साहब की तरफ से खरीदारी के लिहाज से। ठीक है वसीन साहब, एक तो ये हो गया। अच्छा एक शॉर्ट साइड पर भी है राइट? यस यस सर, शॉर्ट में सर डाबर शॉर्ट कीजिए, 455 का भाव है, 455 का इसमें स्लॉट करने का भाव है, 463 का स्टॉप लॉस है, और इसमें 430-433 का टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, आप कुछ समय से थोड़े से इन स्टॉक्स पर बेरिश हैं, कंजम्पशन वाले, आपने पहले लीवर शॉर्ट करने की राय दी थी, एकदम सही हुई, ब्रिटानिया का आपका आज टारगेट हासिल हो गया। अब डाबर है अगला स्टॉक जहां पर बसिन साहब को लगता है कि मंदी करनी चाहिए, 455 के आसपास है, यहां पर शॉर्ट कीजिए, 463 और उनके लेवल फ्यूचर्स के हैं, और 463 के स्टॉप लॉस लगाना है, 433-430 ये दो टारगेट है जिनके लिए आपको डाबर